जी नाजरीन, आपको बताता चलूं कि मौसम में बहार की बारिशों का मुल्तान में सिलसिला जारी है। और ये भी आपको बताऊं कि गंदम की फसल भी तकरीबन तैयार होने का है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एच ए नवासा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। नवासा, बताइए कि क्या सूरत हाल है मुल्तान और मुल्तान के गिरदो नवा के इलाके में बारिश का आज तीसरा दिन जारी है। जी बिल्कुल, यही है कि इस वक्त मुल्तान और गिर्द नवा में मौसम सरमा की तीसरी बारिश हो रही है और अभी तक भी ये बारिश का सिलसिला जारी है। मेरी इतलात के मुताबिक मुल्तान के इलाके शाह रुकन आलम और इर्द गिर्द में ज़ालाबारी भी हुई है और देखा ये जा रहा है कि इस वक्त सड़कों पर पानी भी बहुत है और कीमती फराटे भरती हुई गाड़ियाँ लोगों पर पानी उछालती हुई भी जा रही हैं और ये पानी तो मालूम नहीं कब इंतज़ामिया इनको निकालेगी और कीचड़ बहुत है और इसकी फसलों पर जो असरात हैं वो भी अच्छे या बुरे जो मुरतब होंगे वो भी आवाम के सामने है कि गंदम की फसल को तो इसका फ़ायदा पहुँचेगा लेकिन जो इस वक्त तामीराती मनसूबे हैं जो अभी अभी हाल ही में मुकम्मल हुए हैं उनमें भी शदीद नुकसान का ख़तरा मौजूद है और जो अभी भी ये बनाए गए हैं मंसूबे इनमें जो नाकस मटेरियल का इस्तेमाल भी हुआ है तो वो अभी से ही उनमें टूट टूट कर वो शिकार हैं। ना जाने ये कब तक ये आवाम इन मसाइल का सामना करती रहेगी। नाजरीन, दूसरा ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है और अगर ये इसी तरह बारिश का सिलसिला 3-4 रोज़ तक जारी रहा तो सड़कों पर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। पैदल चलना तो महाल है, गाड़ियों पर भी चलते हुए जो है वो आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन टेलीविजन न्यूज़, मैं हूँ अमीन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रबिया इरशाद, आप देख रहे हैं एन टेलीविजन न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़।